क्लीनलीनेस ड्राइव यानी स्वच्छता अभियान के नाम पे बहुत कुछ चला देश में, चला है ना। और आपको कहीं कचरे का ढेर दिखाई देता है? बहुत जगह दिखाई देता है, सच बोलना, दिखाई देता है ना। क्यों दिखाई देता है? क्योंकि हम अपने में चेंज नहीं लाते हैं। हम सुधार खुद करेंगे तभी कचरे के ढेर खत्म होंगे। हम अपने में चेंज नहीं लाते हैं, हमारी आदतें जो बचपन से बनी हुई हैं वो ख़त्म नहीं होती हैं। अब बड़े लोगों को ये बात समझाई जाए उनको बहुत और साल लग जाएंगे, वो शायद नहीं समझेंगे। या इतनी पुरानी आदतें हो चुकी हैं, इतना वो अंदर घर कर चुके हैं, वो चेंज नहीं होगी। आपके माइंड भी फ्रेश हैं, आप में वो हैबिट्स डाली जाएंगी, ठीक है, तो वो चेंज हो सकती हैं। सबसे पहले अपना घर आप सब साफ रखते हो, उसको साफ रखते हो, और घर के बाहर कचरा होता है, ऐसा क्यों है? क्योंकि हम सब इकट्ठा करके एक जगह रख देते हैं, म्यूनसिपैलिटी या जो गवर्नमेंट विभाग है उन पर छोड़ देते हैं कि वो उठाए। थोड़ा हमारा भी फर्ज बनता है कि हम अपने कचरे को पहले तो कम करें, मिनिमाइज करें, और फिर उसको ढंग से सही जगह पर भेजें। आज एनजीओ जियो और जीने दो की तरफ से गवर्नमेंट हाई सेकेंडरी स्कूल लाठी में मिडिल स्कूल बॉयज गर्ल्स तीन स्कूलों में अवेयरनेस प्रोग्राम किया गया, जिसका मकसद था हेल्थ और एनवायरनमेंट। तो ये विंटर जोन में हमारी श्रृंखला चल रही है, बच्चों को हेल्थ के लिए बताया गया किस तरह से आने वाला बरसात का टाइम है तो इन बीमारियों से किस तरह से अपनी निजात हो, तो इसके साथ साथ उनको एनवायरनमेंट के लिए बताया गया कि एनवायरनमेंट किस तरह से हम अपने एनवायरनमेंट को अच्छा रख सकते हैं। तो हम तमाम लोगों से अपील करते हैं कि आगे पीछे की सफाई रखिए, ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाइए, बरसात के दिन हैं, कहीं भी आपको किसी बर्तन में या किसी जगह भी पानी मिलता है उसको उलट दीजिए ताकि मच्छर ना हो। और इसके साथ साथ आप अपने घर की सफाई कीजिए, बासा हुआ खाना मत खाइए, और इसके साथ साथ जितना हो सकता है बीमारियों का प्रकाशन रखिए ताकि आप स्वस्थ रहेंगे, ये नेशन जो है वो स्वस्थ रहेगा। और ख़ास तौर पे पानी जो है इन दिनों बॉयल करके या आरओ का पानी पीजिए, बोली का पानी पीजिए, क्योंकि पानी की वजह से भी काफ़ी ज़्यादा बीमारियाँ जो हैं वो घर करती हैं। तो इसलिए तमाम लोगों से अपील है जितना हो सकता है अपने शहर को साफ रखिए ताकि बीमारियाँ शहर में घर ना करें।